नमस्कार दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं टी टी सी पी आई रेफरेंस मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूँ इससे पहले मैंने ओसा रेफरेंस मॉडल के बारे में बताया था तो आ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं Uh, जैसे कि हमने देखा है कि ओसे रेफरेंस मॉडल में सेवन लेयर्स होते हैं जिसमें टॉप के थ्री लेयर्स यानी एप्लीकेशन लेयर्स, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर्स जो तीन होते हैं यानी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड स्टेशन लेयर टॉप टू बॉटम की ओर जाते हैं तो ये तीन लेयर्स जो होता है वो यूजर के लिए होता है और यूजर डिफाइंड लेयर्स होते हैं तो उन तीन लेयर्स को यहाँ पे मर्ज करके एक सिंगल लेयर में बनाया गया है एप्लीकेशन लेयर और उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उसको एज इट इज लिया गया है वेयरसाइड रेफरेंस मॉडल को और नेटवर्क लेयर को एज इट इज रखा गया है और जो नीचे के दो लेयर्स है उसको हम मर्ज करके यानी डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को मर्ज करके नेटवर्क एक्सल एक्सेस लेयर के नाम से जाना गया है तो बेसिकली जो टी सी पी आई पर रेफरेंस मॉडल होता है उसमें फोर लेयर्स ही होते हैं और किसी किसी बुक में फाइव लेयर्स को को बताया गया, जिसमें लिंक को गया है जिसमें डेटा लेयर भी स्पेसिफाई रेफरेंस का उसको हम अपने हिसाब से जो इंटरनेट मॉडल हमसे जानते हैं उसमें इसको चार डिफरेंट डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सारे जो वर्क है इंडिविजुअली काम करते एक दूसरे के लिए जैसे मैंने बताया कि इस नेटवर्क ने मॉडल को हम इंटरनेट मॉडल भी कहते हैं इंटरनेट आर्किटेक्चर के लिए बनाया गया है और ये जो मॉडल होता है यानी दिस मॉडल इज टोटली बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल यानी इसमें सारे लेयर्स जो होता है सारे लेयर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं और ये जो प्रोटोकॉल्स होता है ये आ, सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं इंडिविजुअली और एक दूसरे के साथ जो होता है इंटरफेस क्रिएट करते हैं एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं तो प्रोटोकॉल के बारे में पहले भी बता चुका था कि प्रोटोकॉल इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स होता है और प्रोटोकॉल जो होता है डेटा को एक जगह से दूसरे जगह के मूवमेंट को हैंडल करता है यानी हम इंटरनेट में बेसिकली हम इंफॉर्मेशन या डेटा जो होता है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रावर्स करने के लिए सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं तो इसीलिए प्रोटोकॉल का इसमें बेसिक रोल होता है जैसे कि हम देख सकते हैं कि फोर लेयर्स फोर लेयर्स के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं तो एप्लीकेशन में चार डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बेसिकली जो हम यहाँ पर लिमिटेड प्रोटोकॉल्स को शो कर रहे हैं दीज आर द बेसिक प्रोटोकॉल्स जो मैक्मम uh, यूज़ होते हैं जैसे टेलनेट रिमोट लॉग के लिए होता है इसके बारे में लास्ट uh, में आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा टेलनेट का काम क्या है एफ उसी तरह से एफ टी पी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है सारे प्रोटोकॉल्स के नाम दिया हुए हैं एस एम टी पी ईमेल सिस्टम के लिए होता है डी एन एस सर्विस आई पी एड्रेस को डोमेन नेम डोमेन नेम सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको, आपको और अच्छे से समझा दूंगा लेयर लेयर होता होता है वो होता है। वो ट्रांसपोर्ट तो ट्रांसपोर्ट लेयर हम देखते हैं कि इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है एक टीसीपी और एक होता है यूडीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज डेटा ग्राम प्रोटोकॉल टीसीपी जो होता है इससे पहले वाले वीडियो में ओएसआई रेफरेंस मॉडल में मैंने आपको यह बताया था कि जो आ, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो दो सर्विसेज बेसिक प्रोवाइड करता है एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और एक कनेक्शन लेस कनेक्शन ओरिएंटेड जो होता है रिलायबल होता है और कनेक्शन लेस अन होता है तो उसी रिलायबिलिटी और अन के बेस पर दो टाइप के प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसके अंडर कंट्रोल में डेटा ट्रांसमिशन होता है इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी जो हम बोल रहे नेटवर्क लेयर नेटवर्क लेयर के लिए इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल होता है वो आईपी प्रोटोकॉल होता है इसके बाद फिजिकल लेयर में हम देख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो नेटवर्स होता है जो एक्चुअल नेटवर्क फिजिकल नेटवर्स होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकल एरिया नेटवर्क इस तरह से अदर नेटवर्कस होते हैं वो फिजिकल लेयर में यानी इसलिए इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है तो डेटा डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर इसमें काम करते हैं और जो जितने भी हमारे पास प्रोटोकॉल दिख रहे हैं उसका जो फुल फॉर्म यहाँ लिखा गया है आप देख सकते हैं इसके बाद हम आते हैं कि टी सी पी आई पी रेफरेंस मॉडल का जो ओवरव्यू है वो यहाँ बताया गया है कि इसको जो डेवलप किया गया है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको डेवलप किया था फॉर डिफरेंट जो रिमोट कंप्यूटर्स उसको कनेक्ट करने के लिए होता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कि सारे जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर के नेटवर्क uh, हो गए वो यहाँ पे फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर प्रोवाइड किया ताकि कोई भी इसके साथ जुड़ सके और इंटरनेट uh, का पार्ट बन सके और इसी तरह से मोर मशीन एडिंग मोर मशीन टू ए नेटवर्क वॉस इजी मतलब जब इसको बनाया गया था तो उसको बेस यही था कि uh, बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो मशीन है इसके साथ जुड़ सके इसलिए उसको इस तरह से बनाया गया है और ये रोवसनेस इसमें प्रोवाइड कर सके इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव uh, था वो ये था अब जाते फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर सबसे लोएस्ट लेयर होता है uh, इसमें जो होता है प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड टू कनेक्ट टीओटी द होस्ट सो दैट पैकेट्स कैन बी सेंट ओवर इट जिससे कि प्रोटोकॉल के थ्रू यानी आपस में एक होश दूसरे होश से कनेक्ट करके उसके पैकेट्स को एक्स सिग्नल uh, सिग्नल के फॉर्म में उसको भेज सके uh, उसके बाद जोता है वेरिज फ्राम होस्ट टू होट एंड नेटवर्क टू नेटवर्क इसका मतलब ये है कि uh, अगर सपोज कर लो आप जोता है डिजिटल uh, नेटवर्क में काम कर रहे हो तो फिर उसमें जो फिजिकल लेयर होता है उसका वर्किंग अलग होता है अगर सपोज कर लो ऑप्टिकल नेटवर्क में काम कर रहे हो जैसे फॉर एग्जाम्पल सोनेट होता है तो उसमें जो उसकी वर्किंग जो क्राइटेरिया होती है फिजिकल लेयर की वो डिफरेंट होता है उसमें ऑप्टिकल्स को हैंडल कैसे किया जाता है तो इसीलिए इसे बोला गया है कि होस्ट टू होस्ट अगर एक होस्ट दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट करता है अगर सेम टाइप के कंफिग्रेशन में काम करता है तो होस्ट टू होस्ट चेंज हो सकता है और नेटवर्क टू नेटवर्क अगर डिफरेंट टाइप के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करता है तो ये इसमें फिजिकल लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटरनेट uh, 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 जो लेयर्स होते हैं इंटरनेट लेयर्स में जो होता है सिलेक्शन ऑफ ए पैकेट स्विचिंग नेटवर्क यानी इंटरनेट लेयर का होता है सिलेक्शन ऑफ ए पैकेट स्विचिंग नेटवर्क विच इज़ बेस्ड ऑन द कनेक्शन लेस इंटरनेटवर्क लेयर इज कॉल्ड इंटरनेट लेयर्स होता है यानी इसमें बोला गया है कि जो सेकेंड इंपॉर्टेंट लेयर होता है बॉटम uh, टू आप जाते हैं तो इसमें आई पी पैकेट्स का यूज़ आई पी प्रोटोकॉल का यूज़ होता है तो आई पी प्रोटोकॉल जो होता है वो कनेक्शन लेस प्रोवाइड करता है यानी मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर में दो टाइप के इंपॉर्टेंट जॉब होते हैं कनेक्शन लेस और कनेक्शन तो आईपी जो होता है वो कनेक्शन लेस प्रोवाइड करता है यानी अनरिलाबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बट ये फास्ट अनरिलायबिलिटी होने के कारण से आईपी प्रोटोकॉल जो होता है वो फास्ट डेटा सेंड करता है और उसके बाद जो होता है इट इज़ द लेयर विच होल्ड द होल आर्किटेक्चर टुगेदर यानी यही एक लेयर है जो कि पूरे नेटवर्क को डिफाइन करता है यानी पूरे नेटवर्क के आर्किटेक्चर को डिफाइन uh, करता है और एक साथ काम कराता है और इट हेल्प्स पैकेज टू ट्रैवल इंडिपेंडेंटली टू द डेस्टिनेशन और ये लेयर होता है वो सारे पैकेट्स को एक ही रूट से ना भेज के कनेक्शनलेस जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव होता है उसके बेस पर ये इंडिपेंडेंटली सारे को डेस्टिनेशन होता है क्योंकि इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड फैसिलिटी होता नहीं है तो इसलिए सारे जो पैकेट्स है वो इंडिपेंडेंटली सेंड uh, करने का काम करता है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो डेटा सेंड मतलब रीच सक्सेसफुली करेगा या नहीं लेकिन इसका काम है कि सारे पैकेट्स को इंडिपेंडेंटली डिफरेंट रूट uh, से होते हुए जो कि उसके लिए शॉर्टेज पास फाइंड आउट करता है उससे होते हुए वो सेंड करता है ऑर्डर इन विच पैकेट्स आर रिसीव इज डिफरेंट फ्रॉम द वे दे तो इसका मतलब है जब ये इंडिपेंडेंटली रूट को फॉलो करता है तो इसका मतलब है जो पैकेट हमने जिस सिक्वेंस में सेंड किया जरूरी नहीं है कि वो रिसीविंग एंड में उसी सिक्वेंस में रिसीव हो तो इसका मतलब है कि वो डिफरेंट uh, पैकेट्स uh, को डिफरेंट uh, ऑर्डर में अगर रिसीव करता है तो उसके लिए वो एक सीक्वेंस मेंटेन करता है तो उस चीज को भी ये हैंडल करता है और आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल मैंने आपको पहले बताया था कि इस लेयर का जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है वो आईपी प्रोटोकॉल है और इस लेयर जो बेसिक जॉब्स होता है वो तीन में बेसिक जॉब्स होते हैं एक होता है डेवलपिंग और आईपी पैकेट्स जैसे मैंने बताया फिर परफॉर्मिंग रूटिंग्स मैंने अभी इसके बारे में भी डिस्कस किया था इंडिपेंडेंटली जो, जो सेट करता है और अवॉइडिंग कंजेशन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सपोज कर लो ह्यूज नंबर ऑफ आपके पास पैकेट्स आ जाते जा तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको ट्रांसपोर्ट लेयर जो बेसिक uh, जॉब होता है मैंने वैसा रेफरेंस मॉडल में भी इसके बारे में बताया था ये yeah, तो इस लेयर में भी वही होता है इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि इट डिसाइड्स इफ डेटा ट्रांसमिशन शुड बी ऑन पैरेलल पाथ और सिंगल पाथ उसका मतलब है कि सपोज कर लो हमारे पास कोई मैसेज है उसको हम पैरेलली, मल्टीपल कनेक्शन के थ्रू सेंड करें या सिंगल पाथ के थ्रू ही सेंड करें अगर हम मल्टीपल कनेक्शन यूज करेंगे तो फिर उसके क्राइटेरिया डिफरेंट होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल, मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करेंगे सिगमेंटिंग करेंगे स्प्लिटिंग करेंगे और उसके बाद उसको सेंड करेंगे सिंगल पाथ में तो इन सब चीज़ों की हमको जरूरत नहीं पड़ती है द एप्लीकेशन कैन रीड एंड राइट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर्स में जो भी डेटा हम सेंड करते हैं है, प्रिपेयर करते हैं उस वो ट्रांसपोर्ट लेयर में रीड एंड राइट की फैसिलिटी उसको प्रोवाइड किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर एड्स हेडर इंफॉर्मेशन टू द डाटा इसका मतलब है सपोज कर लो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास कोई मैसेज आया तो उस मैसेज को डेस्टिनेशन एंड तक सेंड करने के लिए हम उसके हेडर एड करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर ब्रेक द मैसेज इन स्मॉल यूनिट सो दैट दे कैन हैंडल मोर एफिशेंटली बाय द नेटवर्क लेयर तो इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेन काम होता है जो भी मैसेज हमको मिलता है अगर वो मल्टीपल कम्युनिकेशन के थ्रू सेंड करता है तो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करेगा और हर एक स्मॉल यूनिट्स के बेस पर उसके सीक्वेंस नंबर को भी प्रोवाइड करेगा जो ये लास्ट में आपको लिखा गया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो अरेंज द पैकेट टू बी सेंड इन सिक्वेंस ये इसका बेसिक जॉब होता है अगर अनऑर्डर्ड फॉर्म में रिसीव होता है तो उसके सिक्वेंस नंबर को देख के उसको ऑर्डर में जमाया जाता है एप्लीकेशन लेयर का बेसिक जॉब ये होता है जिन्हें देखा है कि पहला टेलनेट टेलनेट का यूज होता है टू वे कम्युनिकेशन को यूज करने के लिए होता है इसमें हम रिमोट लॉग इन करते हैं और वर्चुअल फॉर्म में हमारे पास जो रिमोट मशीन है उसको हम यूज कर सकते हैं उसके सारे एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं फाइन ट्रांसफर प्रोटोकॉल का बेसिक यूज होता है कि हम डेटा को या एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं या अपने में मंगा सकते हैं सो इसलिए इट इज़ रिलायबल सिंपल एंड एफिशिएंट होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए यूज होता है जैसे यहां लिखा गया एस एम टी पी इज ए प्रोटोकॉल विच इज यूज टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल बिटवीन मशीन डी जो होता है रिजॉल्व एंड आई एड्रेस इन टू ए टेक्चुअल एड्रेस फॉर होस्ट कनेक्टेड ओवर ए नेटवर्क इसके एडवांटेजेस हम लोग देख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली काम करता है ये स्केलेबल होता है यानी इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के बेस पर काम करता है सपोर्ट ए नंबर ऑफ रूटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं यानी बहुत सारे इसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं रूटिंग के बेस्ट प्रोटोकॉल होते हैं जैसे पैकेट सेंड करने का काम करता है कैन बी यूज टू स्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर तो इसका बेसिक यही होता है डिस डिसएडवांटेजेस भी है जिसको हम देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है कि इसमें हम जो वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं वो इसी को बेस करके पूरा प्रोटोकॉल इसमें बनाया गया है तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मैं अगर कोई आपके पास क्वेरीज़ है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा और सबसे इम्पोर्टेंटली कि इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा थैंक यू